19 अगस्त का दिन काफी खास होने वाला है। एक तो इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है और रक्षाबंधन भी। इस साल रक्षाबंधन पर सालों बाद कई योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहनों को समृद्धि और खुशहाली का साथ मिलेगा। आखिर क्या होगी टाइमिंग, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक बेहद खास त्योहार है। ये भाई बहन के खास प्यार के लिए जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का वचन मांगती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है, जो कई शुभ योगों के साथ आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में ये त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। आप ये भी याद रखें कि इस दिन भद्रा काल भी होता है, जो राखी बांधने के लिए शुभ समय नहीं होता। इससे बचते हुए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। भद्रा काल है 18 अगस्त 2024 की रात 2:21 से 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:24 तक। इसके अलावा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:26 से शाम 6:25 तक। आखिर रक्षाबंधन 2024 पर इस साल कौन से योग बन रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस साल करीब 90 साल बाद रक्षाबंधन पर चार शुभ महासंयोग बन रहे हैं। ये महासंयोग जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। ये सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ कार्यों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है और 19 अगस्त 2024 को सुबह से रात 8:40 तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग भी शुभ कामों के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा शोभन योग भी है। ये शोभन योग शुभता और सुंदरता का प्रतीक है। श्रवण नक्षत्र, ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, राखी बांधते समय भद्रा काल से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त राखी बांधना वर्जित है। इस साल भद्रा काल 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भद्रा काल खत्म होने के बाद ही माना जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और रिश्तों का प्रतीक है। इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भद्रा काल के कारण इस बार राखी बांधने का समय थोड़ा सीमित हो सकता है, इसलिए बहनों को भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।